नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मैं हूँ संदीप मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं सच कहूं के फेसबुक लाइव पर और सच कहूं यूट्यूब चैनल पर। मुझे लगता है सारी सात संगत अच्छी होगी, अच्छी तरह से रहनी होगी। सुमिरन गुरु के प्रति प्यार आप सबका बेहद बरकरार है। आस्था जो पिताजी ने आप सबको दी है, जो पिताजी के प्रति आपकी आस्था है, जो श्रद्धा है, मुझे भरोसा है कि जिस तरह मेरा अडिग है उसी तरह आप सबका भी अडिग होगा। आज मुर्शिद मेरा, मैं मुर्शिद का इस सीरीज में एक बार फिर मैं आप सबके रूबरू हूँ, आप सबके साथ साथ इस वक्त हूँ। और आज भी बात करेंगे बहुत सारे ऐसे पुराने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों से, हमारे भाइयों से, प्रेमियों से, जो 20 साल, 30 साल, 25 साल से जुड़े हुए डेरा सच्चा सौदा को, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को डेरा सच्चा सौदा में बनते, बिगड़ते, टूटते, ढहते, कई इमारतें, कई अस्पताल, कई स्कूल, कई नक्शे बदलते देखे, जो पल पल के साक्षी रहे हैं कि डेरा जो कभी रेत का एक टीला हुआ करता था, उस टीले के बाद किस तरह का चमन गुरुजी ने बनाया, कैसे वहां बगिया बनी, कैसे वहां फूल खिले और आज कैसे डेरा सच्चा सौदा में सेब के भी पेड़ लहला रहे हैं, ना सिर्फ बड़े हो रहे हैं बल्कि उनमें फल भी आ रहे हैं। बहुत सारी रहमतों की दास्तान लिए आज का ये एपिसोड फिर शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आपको, दो ये नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं लगातार, ये सच कहूं का हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप बात करें, अपने संदेश दें, अपने वीडियो भेजें। कोई गुमशुदा है आपका, कोई आपके घर से अभी तक आया नहीं, आपको कोई कानूनी मदद चाहिए, या कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपके साथ नाजायज कर रहा है, या आपको उम्मीद है जिस भी बात की कि डेरा आपके साथ खड़ा होना चाहिए, डेरा आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और भविष्य में भी पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से सारी सात संगत एक साथ, एकजुट, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ खड़ी हुई है। आप इन दोनों नंबरों को जो फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप इन्हें नोट कीजिए। और एक और गुजारिश आप सबसे है कि इन नंबरों को एक से दूसरे तक पहुंचाइए। और ये प्रोग्राम जो आप सच कहूं फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, सच कहूं यूट्यूब चैनल पर जो आप देख रहे हैं, इसे सबको बताएं, सबको सुनाएं, सबको दिखाएं, क्योंकि सच की बात सच कहूं से बेहतर भला कहां हो सकती है। सच की बात, सच्ची बात, अच्छी बात लेकर शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कक्कड़ साहब। कक्कड़ साहब 1988 से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं। डेरा सच्चा सौदा तब कैसा होता था, कैसे गुरुजी योजना करते थे, क्या बनाना चाहते थे और आज कैसा है, हम सारी बातें कक्कड़ साहब के मुखारविंद से सुनते हैं। कक्कड़ साहब, आपके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मालिक की बहुत सारी यादें, आपने बहुत कुछ डेरा सच्चा सौदा में बनते देखा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने, नए नए निर्माण हुए होंगे, बिल्डिंगें बनी, अस्पताल बने, आप सारी बातें हमारे साथ थोड़ा शॉर्ट में साझा करें कि कैसा वो था वो मंजर और आज कैसा है, बताएं। मिश्रा जी, पहले तो मैं नारा लगाऊंगा आपसे, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा भाई जी। जितनी भी जनता और जितने भी हमारे सत्संगी परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, वो जरा कृपया बात को ध्यान से सुने। आज से 30 साल पहले अप्रैल 88 के अंदर मैंने नाम लिया था। उस वक्त एक शाही कंटीन होती थी शाह मस्ताना के गांव में, उसके अंदर छोटी सी कंटीन थी। परम पिता जी वहाँ जाते थे, राउंड लगाते थे, वापस आते थे घूम फिर के। जब 90 के अंदर हजूर महाराज जी को गद्दी दी गई तो हजूर महाराज जी ने उस कंटीन को बनाया, मुझे अभी तक याद है। तो पहली मंजिल के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ाई बिना किसी मतलब आयरन के, बिना किसी चीज के, और ना ही उसके ऊपर कोई लेंटर डाला गया, और सीढ़ियाँ बना ली। कहने लगे बेटा ये हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं, ये आप ध्यान रखना, ये जो सीढ़ियाँ हैं कभी आप गलती में अपने घर मत बना लेना, क्योंकि वहाँ जो भी बनता था बिना नींव के, जो भी होता था बिना नींव के, हम बेगू गांव तक नहीं जा सकते थे। मिल्क प्लांट होता था, मिल्क प्लांट के आगे जाना बहुत खतरनाक था, वहां चोर उचक्के डाकू रहते थे, बड़े बड़े रेता के टीले थे, 30-30 फुट 35-35 फुट ऊपर तक रास्ता कहीं आने जाने का होता नहीं था, जो भादरा को सड़क जा रही है।
तो ये जमीन हजूर महाराज ने ली, क्योंकि मस्ताना जी के वचन थे जब हमारा भंडारा हुआ करेगा, जब हम थाली फेंकेंगे तो वो थाली हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, जो हमारे शिष्य होंगे, वो थाली उनके सिरों के ऊपर ही रह जाएगी, नीचे नहीं गिर सकेगी, इतना बड़ा रश होगा। तो आप देखो, मस्ताना जी धाम से शाह सतनामी धाम बनाया गया, वो 30-30 फुट के टीले थे, कई किलोमीटरों के हिसाब से, उसके अंदर हजारों ट्रालियां जहाँ शहर के अंदर डाली गई, जहाँ शहर के अंदर नीची जगह थी उसको भरभर किया गया, पानी चलता था जहाँ रुक जाता था उस जगह को प्लेन किया गया। एक साथ में वो नदी का नाम मुझे भूल रहा है, घग्गर नदी थी या कुछ और नाम था। हजूर महाराज जी के पास सारे शहर के निवासी आए, महाराज इसका कुछ करो, वहाँ बांध बनाया घग्गर नदी का, हर साल वहाँ पर बाढ़ आती थी। एक बार हजूर महाराज जी ने कहा चलो हम चलते हैं, देखते हैं क्या बात है, पानी बहुत चढ़ा हुआ था। जब हजूर महाराज वहां पहुंचे, उनके चरणों को जब पानी ने छुआ तो पानी उतरना शुरू हो गया। तो वहां सभी संगत ने नारे लगाए कि ये एक कैसा कृष्णा है। तो ये कृष्णे इतने हजूर महाराज जी के होते थे, हजारों प्राणियों ने टीले खत्म कर करके वहां पर वो बनाए, वहां एक सचखंड हाल बना जिसकी कोई नींव नहीं है। वो मेरे ख्याल में मिश्रा जी मुझे पूरा ध्यान नहीं, उसका एरिया कितना है, 400 गज का, मतलब फुट नहीं गज का एरिया है, स्क्वायर गज का। तो उसके अंदर कोई नींव नहीं है। अगर आप अंदर जाके देखोगे तो एक एंगल से जब आप देखोगे तो जो पिलर खड़े हुए हैं वो पिलर आपको बिल्कुल सीधे नजर आएंगे। बड़े बड़े इंजीनियर आए देखने के लिए भी, ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है, ये तो बड़े हैरानी की बात है, इतना बड़ा हाल, सचखंड हाल। और हजूर महाराज के वचन थे जो इस जमीन पे सोएगा, इस मिट्टी पे सोएगा, उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। तो काफी बहुत ही बढ़िया। कक्कड़ साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि आज जो स्थितियां हैं, आपकी आस्था, आपका प्यार अपने मुर्शिद के प्रति कितना है, उसे कैसे बयां करेंगे? जनाब, आज जो दौर चल रहा है, मिश्रा जी अगर मैं वो अगर उनके गुण गा रहा हूँ अपने गुरु के, हमारे गुरु थे, गुरु हैं, गुरु रहेंगे, दुनिया चाहे लाख ताने मार ले, दुनिया चाहे लाख खंजर बोले हमारे को, लेकिन हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने जब गुरु धारण करा तो हमने गुरु धारण ही किया है और सच को धारण किया है। आज 142 वो समय था परम पिताजी का, और आज ये समय है जब पिता परम पिता ने कहा था ये जो भी करेंगे वो हम कर रहे हैं, तो हमने परम पिता की आवाज के ऊपर आज भी हम वैसे ही मान रहे हैं। क्यों देखो, 142 कारण भलाई कर, मानवता कारण, आप देखो कौन सी ऐसी संसार वर्ल्ड के अंदर जिसने ये कार्य किए हो, लेकिन हमारे हजूर महाराज जी ने किए। जहां भी भूचाल आया वहां हमारे ग्रीन एक्स फोर्स पहुंची, जहां भी सुनामी आई, मतलब कहने का समुद्र पार। हिंदुस्तान में जितनी हमारी सात संगत है, 6 करोड़ के करीब सात संगत भाई बहन आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आपका ये संदेश उन तक जा रहा है, उन सबको आप क्या कहेंगे? मैं तो उनसे ये कहूंगा कि आपसे मेरी सबसे यही विनती है, संत महात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, दुख लेते हैं। आज अगर वो जिस जमीन में बैठे हैं उस जमीन के भी भाग जा चुके हैं, आज वो जहां हैं उनका कितना उद्धार हो रहा होगा जिन्होंने उनका दर्शन करे। क्या मालूम हजूर महाराज जी, हाँ लोग कहते जेल होगी, जेल होगी, हम जेल नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं उनका उद्धार करने गए हैं, उनके जो आदमी उम्र कैद काट रहे हैं उनको दर्शन देने गए हैं। हो सकता है वो उनकी रमत है, वही जाने, लेकिन मैं संगत से ये कहूँगा कि आपसे मेरी विनती है कि आप ये दर्श छोड़ दिया तो आप पछताओगे एक दिन कि हमारे साथ ये क्या हुआ। आप इस दर की बदनामी मत करो, इस दर के ऊपर आकर के शीश झुकाओ। आज हजूर महाराज जी जहां कहीं भी हैं
आशीर्वाद वहीं से ही दे रहे हैं और हमारे पास आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और अगर आप देह की धरती में जाके शीश झुकाते हो तो ये समझो कि आप वहाँ सही सलामत पूरी जिंदगी बिताएंगे। आप सुन रहे हैं कक्कर साहब को, कक्कर साहब 1988 से जुड़े हुए हैं डेरा सच्चा सौदा से, और उन्होंने अपने दिल की बात कही कि ये तन, ये मन, ये प्राण सब कुछ निसार है अपने मुर्शिद के ऊपर, उनके चरणों पर। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, निहाल किया है, और एक बात और उन्होंने कही है कि इस दर से बड़ा कोई दर नहीं, इस फकीर से बड़ा कोई फकीर नहीं। दोस्तों, ये वक्त है हमें आपस का प्यार बढ़ाने का, आपस में मेलजोल बढ़ाने का, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर साथ चलने का। आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, ये पहले ही साध सतनाम जी महाराज, मस्ताना जी महाराज कह चुके हैं कि बहुत तूफान आएंगे, बहुत आंधियां आएंगी, पर डेरा सच्चा सौदा का न कभी कुछ बिगड़ा है न कभी कुछ बिगड़ेगा। ये सच का दर है, ये आस्था का दर है, ये मानवता का मंदिर है, ये फकीर की वो जगह है जहाँ से फकीर ने लोगों के कुलों को तार दिया। मेरे जैसे 6 करोड़ भाई बहन आज भी पूरी आस्था और निष्ठा के साथ अपने मुर्शिद के चरणों में हैं और हमेशा बने रहेंगे, आखिरी सांस तक बने रहेंगे। इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे एक कॉलर जी, भाई जी बोलिए। हेलो बोलिए। हेलो जी भैया बोले। हाँ, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर बोल रहा हूँ भैया। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं श्याम सुंदर जी? बहुत बढ़िया हूँ सर, थैंक यू सो मच। संदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं। सर बोल रहा हूँ, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत बढ़िया हूँ भैया, बहुत अच्छा। आपने बहुत मेहनत से और बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखी है। मीडिया उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो चंद पैसे फेंको इनके मुंह पे और कुछ भी बोलवा दो जी। और जैसे ये चार्ज लगाया गया था 25 अगस्त को, तो वहाँ दिखाया जा रहा था। अभी मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी NDTV के चैनल में, आपकी अदालत में, कि 12 OP वैन थी जिन्हें हमने वापस जाने के लिए कहा था जी। इसमें से कि 3 वैन जो है कहाँ पे क्राउड थी, जहाँ लोग खड़े थे वहां तक चली गई। जब सरकार उसको वापस भेज रही है, आपकी प्रायोरिटी है कि आप उनको 3 गाड़ियां आगे कैसे चली गई? और वहां पर एक गाड़ी पे कंसंट्रेट फोकस किया जा रहा था और दिखाया जा रहा था कि एक अधिकारी को एक्सीडेंट के अधिकारी के पैर में गोली लगी है। अभी तक हमने नहीं सुना कि तेरे सच्चे सौदे के किसी अधिकारी ने किसी भी पुलिस वाले या किसी और को किसी भी तरह से इंजर्ड किया हो। तेरा सच्चा सौदा सिर्फ मानवता के लिए, प्रेम के लिए और शांति के लिए है। हिंसा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी बेपरवाह जी कभी नहीं कहते कि हिंसा करो। हिंसा करने वाला अगर कोई सत्संगी है तो उसको सजा दी जाती है, ना जिसपे हिंसा हुई है उसको दी जाती है। हमारे सत्संगियों ने कितने लोगों को मारा है, सरकार के कितने लोग हमने मारे हैं, जो हम लोग माउजर और AK-47 या हमारे पास हथियार दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ एडिटिंग की गई है, अपने लोगों को लाठियां देके और हथियार देके खड़ा कर दिया गया है और उनको हमें बता दिया गया कि ये प्रेमी है। तो हमारे प्रेमी मरे हैं, जितने मरे हैं, जितने बुजुर्ग गई है, क्या मरने से पहले कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो, क्या वो लाठी सजा के रखते हैं? मेरा सवाल है सरकार से कि क्या कोई बुजुर्ग या कोई महिला या कोई अदर आदमी जो भी मरते है कि वो लाठी सजा के स्टेट मरने से पहले स्टेट रख के जाएगा अपने पास? मरने के बाद आपके लोगों ने वहां रख के बनाया गया कि ये लोग हथियार लेके आए थे। दिस इज टोटली रॉन्ग, बेसलेस एलिगेशन अगेंस्ट ग्रेट साइंस। हम तो जब से ये मतलब समझ लीजिए कि चलना सीखे तब से जानते हैं, इसी इलाके श्रीगंगानगर में रहते आए हैं, और उनसे बढ़िया और उनसे हसमुख और उनसे भला मानवता का काम करने वाला कोई अभी तक दिखा नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपने तो बहुत बढ़िया सवाल सरकार से पूछा है डॉक्टर साहब। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से कि तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए देश के अंदर आप संत गुरमीत राम रहीम जी को रिहा करें और जिसके लिए क्षमा प्राप्ति हो, उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया, इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन 500 रुपए के स्टाम्प से लिखवा लीजिए। बहुत बड़ी बात कही आपने, सरकार से 2 बड़े सवाल पूछे कि जिन लोगों को आपने पानी की बोतल तक ले जाने नहीं दी, छतरी ले जाने नहीं दी, उन लोगों के पास हथियार, माउजर और इस तरह के आरोप कहां से लग गए? कहां से वो लाएंगे हथियार, कहां से लाएंगे वो विस्फोटक पदार्थ, जिनकी आपने एक जगह दो जगह नहीं बल्कि 10-10 जगह तलाशी ली, लेकिन वो भी दृश्य पूरे हिंदुस्तान में देखा है कि लोगों को घेर दिया आपने, लोगों को पार्क में बिठा दिया, गाड़ियां बंद कर दी, ऑटो बंद कर दिए, रेलगाड़ियां बंद कर दी,
और जब वो निकलने लगे तो लाठियों की बरसात हुई उनपे, ना उम्र देखी गई, ना बहन बेटियां देखी गई, ना जवान बूढ़े देखे गए, जिसे भी पुलिस ने ऐसे पीटा जैसे कोई आतंकवादी वहां से निकल रहे हो। और इस पर भी जब आपका मन नहीं भरा तो आपने स्टेन गन संगी ने उनकी छातियों पे तान दिए, और वो बेगुनाह जो कभी सेना को खूनदान किया करते थे, पुलिस वालों को खूनदान किया करते थे, थैलेसीमिया पीड़ितों को खूनदान किया करते थे, उनका खून से पंचकूला की सड़कें रंग दी। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहने लगे हैं कि जलियांवाला बाग हमने नहीं देखा था, लेकिन पंचकूला कांड ने जलियांवाले बाग को या की घटना को ताजा करा दिया। फिर से एक बार ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेजों का जुल्म कितना खतरनाक, कितना खौफनाक, वो मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा जो अंधेरा प्रेमियों के साथ है हुआ है। लेकिन इससे भी दुखद बात यह है, समाज का मौन हो जाना, समाज का चुप हो जाना। आज किसी का कत्ल हो रहा है, किसी बेगुनाह की जान जा रही है, और पूरे समाज के बुद्धिजीवी खामोश है। यह खामोशी बताती है कि देश में इंसानियत, मानवता कितनी पीछे की बात रह चुकी है। आज भाई बहन बेटे बेटियां किसी मजहब धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर बांट दिए गए हैं। उसका उस मजहब का कोई मारा जा रहा है तो ठीक है, हमारे मजहब का बचा हुआ है, लेकिन संत आसाराम जी बापू, रामपाल जी, साध्वी प्रज्ञा और अब बाबा राम रहीम जी, कब तक, आखिर कब तक हम एक दूसरे के लिए तमाशा बने रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे और जैसा मर्जी दर्द हम सहते रहेंगे। बहुत वेदना की बात है, बड़े दुख की बात है। और खासकर चौथा स्तंभ जिसे मीडिया का नाम दिया जाता है, मीडिया ने जो देश के अंदर अश्लीलता परोसी है, बाप बेटी के रिश्तों को ताकदार किया है। इतना ही नहीं, हरप्रीत राम रहीम जी की बात ही नहीं, मरहूम आरुषि और डॉक्टर तलवार, मरने के बाद भी आरुषि को जो सजा मीडिया ने दी है, उसे क्या क्या शब्द उन्होंने कहा है, ये शब्द भी आज सामने है आप सबके। और सीबीआई जिसने आरोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया था, आज वो देखिए सामने है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से। तो इससे पूरे हिंदुस्तान को समझ आ रहा है कि सीबी किस तरह से काम को करती है, किस मंशा से अंजाम देती है और किस मंशा से वो लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। माननीय उच्च न्यायालय से के इस आदेश से दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मेरे साथ एक बुजुर्ग जो पिछले 13-14 साल से डेरे सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम किशन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। राम किशन जी आप बताएं कि क्या स्थिति है आपका, गुरु के प्रति किस तरह का प्यार है, किस तरह का लगाव है? राम धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब मैंने नाम लिया 2004 में तो मेरी स्थिति बहुत नाजुक और बीमार स्थिति थी। मैं नहीं समझ रहा था कि 2-4-10 दिन जो है मैं जीऊं, लेकिन मैं आज तक जी रहा हूं और बड़े प्यार से जी रहा हूं बच्चों के साथ। मेरे को जितनी भी बीमारी थी, मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई दी और एक एक टुकड़े को, एक एक रोग को पिताजी ने, परम पिताजी ने उनको दूर किया। आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरी 77 साल की उम्र है। मैं जो देख रहा हूँ आज की हालत कि गुरुजी के ऊपर इतने इल्जाम लग रहे हैं कि मैं सहन नहीं कर सकता। और मीडिया ने तो बिल्कुल ही कमाल करके दिखा दिया कि देश में कोई भगवान भी है या नहीं है। बहन बेटी और बाप का ऐसा रिश्ता तार तार कर दिया जिसकी वजह से हमें शर्मसार होकर के हम अपने परिवार के साथ भी मतलब टीवी नहीं देख सकते थे, बहुत लाचार थे। लेकिन आस्ते आस्ते सुधर रहा है और हमारे पिताजी ठीक है, जेल में है, लेकिन हम उनको जेल नहीं कहते, वो रचना रच रहे हैं और रच के रहेंगे और कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में वो बाहर आएंगे। मैं यही कहना रामकिशन जी, मेरा एक सवाल और आपसे होगा, लेकिन इस बीच में मेरे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी वैसा बोलिए, जी बोलिए भैया। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ, बोलिए। आइए, कह रहा था मतलब के कितना टाइम लगेगा लिस्टों में देश में। हेलो, हाँ जी बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ, केस फाइनल होने में कितना टाइम लग जाएगा?
कौन बोल रहे भैया? सुल्तानपुरी से बोल रहा हूँ, प्रेमी जी। क्या नाम है आपका? नाथुराम। नाथुराम, नाथुराम, नाथुराम जी, अदालत की प्रक्रिया है, कितने टाइम में फाइनल होगा, कैसे फाइनल होगा, ये सवाल बहुत ही पेचीदा है आज की डेट में, और इसका जवाब या तो कानून के जानकार अच्छी तरह दे सकते हैं या स्वयं गुरु जी दे सकते हैं, लेकिन अभी यह वक्त जो संगत के लिए है, संगत के लिए सबसे अच्छा वक्त है कि हम साधना करें, सुमिरन करें, मालिक से अरदास करें, संगत के साथ अपना प्यार प्रेम भाईचारा पहले से ज्यादा बढ़ाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, जहां किसी की मदद की जरूरत हो हम बढ़कर आए, और जितने भी मानवता भलाई के काम पूज्य गुरु जी हमें सिखा रहे हैं, जो हमें सिखाया है, किसी को खून दान है, किसी का रक्त आंख दान है, किसी का कहीं सेवा है, किसी गरीब को घर बना के देना है, वो सारे सेवा के काम संगत जैसे अब तब कर रही थी, आज भी कर रही है, लेकिन ये वक्त है और भी बढ़ चढ़ के करने का, और हुजूर जल्दी ही हम सब पर कृपा करेंगे, जल्दी ही हमारी प्यासी आंखों को दर्शन देंगे, हमें निहाल करेंगे, ऐसी हमारी भावना है, और जल्दी ही आप सबके बीच में एक चमकते हुए सूरज की तरह हमारे गुरु जी होंगे। रामकिशन जी, एक सवाल आपसे मेरा बनता है कि आपके ऊपर गुरु जी ने बड़ी कृपा की, आपका बड़ा शरीर पीड़ा से भरा रहा, कष्ट से आपका जीवन रहा, आपने बताया, आज आपकी स्थिति कैसी है और आज गुरु जी के प्रति आपका कितना प्यार और कितना लगाव है? जिसने मेरी जान को बचाया है, जिसने मेरी जान को बचाया वो भगवान से कम नहीं मानता। जो ये हो रहा है देश के अंदर बहुत गलत हो रहा है, मैं इसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ, इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरे अंदर कूट कूट कर सामर्थ्य भरी है कि सुनो बेटे, ये टाइम ऐसा आएगा कि आप हैरान हो जाओगे, ये मेरे को रात को भी दिखाई देता है, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता है। आप देख रहे हैं ये बुजुर्ग जिनकी उम्र 77 साल है, रामकिशन का नाम है, गुरु जी का नाम लेते ही आंखें भर आई, छलक आई, और क्यों ना छलके कि मेहरबानियों का वो दौर इन्हें याद है, बख्शिशों का वो दौर इन्हें याद है, रहमत का वो दौर इन्हें याद है, जिसकी वजह से आज ये कह रहे हैं इनकी सांसें चल रही हैं, जो उम्र इनको, जो जिंदगी इनको बोझ लगने लगी थी, आज वो जिंदगी मुर्शिद की दया से खुशियों से भर गई है, मुस्कुराहट से भर गई है, हिम्मत और हौसले से भर गई है, लेकिन दुख इतना है कि मीडिया आज इस तरह के लांछन लगा रहा है कि मर्यादाओं को भी तार तार कर रहा है, 6 करोड़ लोगों को आहत कर रहा है मीडिया, बिना वजह के आरोप, बेबुनियाद बातें, बेटी बाप के रिश्ते को तार तार करने की जो ये साजिश मीडिया के पर्दों पे झलक रही है, इसने हिंदुस्तान के मान सम्मान को मटिया मेट करने की जो योजना बनाई है, 6 करोड़ लोग उसे नकारते हैं, सिरे से नकारते हैं, आज भी हमारी आस्था पे मुर्शिद के प्रति उतनी ही दृढ़, उतनी भरोसेमंद है जितनी हमारी पहले हुआ करती थी। वक्त है ये आस्था का समुद्र और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा हिलोरेगा, और ज्यादा शक्ति के साथ बढ़ेगा, सारी संगत एकजुट होकर एक ही छत के नीचे, एक ही झंडे के नीचे फिर से रहमत के उस दर की ओर जाएगी, बढ़ेगी, पहले से कई गुना बढ़ेगी। इस बीच मेरे साथ जुड़ रही है मनीषा जी, मनीषा जी डेरा सच्चा सौदा से बहुत अरसे से जुड़ी है, परमपिता शाह सतनाम जी महाराज जी से इन्होंने नाम की बख्शिश ली है, इनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुए, कितनी इनकी गुरु के प्रति आस्था है, इनसे ही सुनते हैं। मनीषा जी, आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा, मैंने 30 साल से नाम ले रखा है परमपिता जी से, 30 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ, मैंने वहाँ पर कभी कुछ भी गलत नहीं देखा, जब से मैं गई हूँ वहाँ पे, मेरा पूरा परिवार जुड़ा है वहाँ से, मेरे मम्मी पापा मेरे बहन भाई सभी जुड़े हुए हैं, अब 30 साल से वहाँ पे रेगुलर आते जाते हैं, हमने वहाँ पे कभी कुछ गलत नहीं देखा, यदि हम कुछ गलत देखते तो हम वहाँ पर जाते ही क्यों, कभी भी हमने देखा है बहन भाई हमारे अलग रहते हैं, भाई थोड़े कोई भी अपने भरोसे को कायम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें, सदगुरु पे अपने विश्वास रखें। ये मनीषा जी थी, मनीषा जी ने आपको बताया कि 30 साल हो गए इन्हें डेरा सच्चा सौदा के दर से जुड़े हुए, वो दर जो रहमत का दर है, वो दर जो खुशियों का दर है, वो दर जो फकीर का दर है, और जिस दर पर झोलियां छोटी हो जाती हैं, रहमत कभी कम नहीं होती, जहां खुशियां बरबस बरसती हैं, जहां मेहरबानियां पक पक कदम कदम मिलती हैं, जहां मालिक देना जानता है, लुटाता है,
और जहाँ से संगत निहाल होकर निकलती है। आज 30 साल के दौर में मनीषा जी के घर परिवार को जो कुछ मिला है उन्होंने वो बयां किया है, लेकिन मनीषा जी अकेली ऐसी नहीं है जो बहुत खुश है मेरा सच्चा सौदा से जुड़कर। ऐसे हमारे 6 करोड़ भाई बहन हैं जो आज भी मुस्कुराहटों का कारण मेरा सच्चा सौदा को बताते हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स जुड़ रहे हैं, सुनील जी। सुनील जी से जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की उनकी आस्था, किस तरह की उनकी भावना है और किस तरह के रहमत उन्हें डेरा सच्चा सौदा से मिली है। मैंने 2 अप्रैल सन 2000 को नाम लिया था। जिस दिन मैंने नाम लिया था उसी पल से मैं आपको कृष्ण में बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुए। 2 अप्रैल जब मैंने नाम लिया तो मेरे से करीब 20-25 फुट की दूरी पे खेत था, उसमें मक्की के जो पौधे थे वो लगे हुए थे, मुश्किल से 6 इंच होंगे, इतने बड़े होंगे। और उसके बाद 1 महीने 3 दिन बाद मैं जब दोबारा गया 5 मई 2000 को, तो वो जो पौधे इतने इतने थे, कम से कम इतने इतने बड़े ऊंचे हो गए थे, उनपे एक एक फुट बड़े भुट्टे लगे हुए थे। 1 महीने 3 दिन में मैंने वो करिश्मा देखा था। उसके अलावा इतने इतने पौधे जो पपीते के हैं उसमें मैंने इतने इतने बड़े पपीते के फल लगे हुए देखे। और करिश्मा बताता हूँ, जब मैंने नाम लिया उस वक्त मैं डर से लेता था, मैं प्रॉक्सिमल के कैप्सूल खाता था। एक दिन में मैं 50 से ऊपर कैप्सूल खाता था, 35 रात को डाइजेपाम की गोलियां और उसके अलावा 8 गोली सैलिन की और 1 बंडल बीड़ी का और 1.5 से 2 डिब्बी सिगरेट लेता डेली का, इतना मैं डेली लेता था। मैंने बड़ी कोशिश करी थी इन नशों से पीछा छुड़ाने की, नहीं छूटी। मैंने जीवी हॉस्पिटल दिल्ली का वहाँ इलाज करवाया, GTB में इलाज करवाया, अशोक नर्सिंग होम में यहाँ पे गांधी नगर में वहाँ से इलाज करवाया, रोहतक से इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया मैंने, मेरे नशे नहीं छूटे। साथ संगत जी, मैंने 5 साल की उम्र में पहली बार बीड़ी पी थी, 6 साल की उम्र में मैंने शराब पी ली थी और 12 साल की उम्र तक आते आते मैं डेली ड्रिंकर हो गया था। जो नशा मेरे को उपलब्ध हुआ मैंने हर नशा करा, कोई नहीं छोड़ा। लेकिन हजूर पिताजी ऐसी दया में रहमत हुई, जब मैंने नाम लिया उसके बाद हजूर पिताजी जी ने वचन करे कि बेटा सुमरण करके खाना बनाओ, उससे नशे छूट जाएंगे। जो नशे मेरे इतने इलाजों से नहीं छूटे, और हजूर पिताजी की ऐसी दया, मैंने घर में खाना पकाया था सिर्फ 15 दिन सुमरण करके और 13 दिन में मेरे सारे नशे छूट गए थे। उसके बीच मेरे को सिर्फ 1 गोली से दर्द की लेनी पड़ी थी, उसके अलावा मैंने कोई दवाई नहीं ली। मेरे को हार्ट अटैक आ चुके हैं, हार्ट की प्रॉब्लम मेरे को हो चुकी है, आज पिताजी दिया मेरे में से कुछ भी नहीं है, सर्वाइकल हो चुका है 4 के 5 बार, डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है, गठिया हो चुका है, दमा हो चुका है। अरंजूर पिताजी की दिया मेरे में से जो बीमारी आई है आज आई है 2 महीने में खत्म हो जाती है। तो हजूर पिताजी की ऐसी दिया मेरे में से भाई सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, कोई दूर मत जाना इस घर से, और हजूर पिताजी है और आप है भाई, जुड़े रहना, जितना जुड़े रहोगे उतना नजारे ले जाओगे। ये सुनील जी हैं जिन्होंने बताया कि आपने सुना कि किस तरह से नशे के जाल में ये फंसे हुए थे, नशे का ये जाल, नशे का ये जंजाल इनकी जिंदगी पर बोझ बन गया था, ये खुद उससे भागना चाहते थे, उस जाल को तोड़ना चाहते थे, उस गिरफ्त से निकलना चाहते थे, लेकिन ये नशे का संसार इन्हें छोड़ नहीं रहा था, ये और ज्यादा फंसते जा रहे थे, जितना उससे छटपटाहट से निकलते थे उतना और फंसते जाते थे। लेकिन 13 दिन, बस 13 दिन सुमिरन से बना हुआ खाना इन्होंने खाया और 13 दिन के अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल जिस नशे से इन्हें नहीं छुटकारा दिला पाए, वो मालिक के नाम ने इन्हें मुक्ति दिला दी। सुनील जी, तब कैसा जीवन था जब आप डेरा में नहीं जुड़े थे और आज कैसा जीवन है? जिंदगी से तंग था, सुबह उठता था बिना कैप्सूल खाए, बिना बीड़ी पिए मैं फ्रेश नहीं हो सकता था, कहीं मैं जा नहीं सकता रिश्तेदारी में, कहीं इधर भी नहीं निकल सकता था, मैं तंग आ चुका था, जैसे जेल में कैदी होता ना उससे भी ज्यादा बुरी हालत थी मेरी। और मैंने हजूर पिताजी की दया मेरे में से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में 8 दिन में समय छोड़ते हुए लोगों को देखा है, बिना दवाई के सिर्फ सेवा करके हजूर पिताजी प्रसाद देते हैं, 8 दिन में बंदा समय छोड़ के चला जाता है। और ये जो हजूर पिताजी नशे छुड़वाते हैं ना, ये नशे के सौदागरों को बहुत भारी लग रहा है, उनके नशे की दुकानें बंद हो रही है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जितने भी नशे के ठेके हैं, शराब है, सारे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, बहुत कमाई होती है, खरबों रुपयों का इनका नशों का बिजनेस होता है, वो तड़प रहे हैं। जो पिताजी जब नाम लेते हैं ना, वो और ज्यादा तड़पते हैं, ये लोग नशा छोड़ जाएंगे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये मेन वजह है, ये मेन वजह है। हजूर पिताजी को बिना मतलब, बिना किसी बेवजह
फसाने की। सुनील जी आप खुश हो? किधर से खुश हो जी? नहीं, जब से नशा छूटा है नाम लिया। जब से मैंने नशा छोड़ा है अर्जुन पिताजी से नाम किया अनमोल दाद लिए, बहुत जिंदगी बड़ी बढ़िया बीत रही है जी। बहुत घर में खुशियाँ हैं? बेहद खुशियाँ हैं। कोई मेरा काम ऐसा है जो रुकता हो? ऐसा कोई काम नहीं है, कोई काम बिना रुकता ही नहीं कभी, जब से मैंने नाम लिया है। एक और सवाल, पिताजी के बारे में क्या कहोगे? पिताजी के बारे में क्या कहूँ, इतने कहूंगा बस वो रब है भैया, कोई दूर मत जाना उससे, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और इस बीच सुनील जी को आपने सुना, सुनील जी ने एक लाइन में तोड़ दी कि वो मेरे लिए रब है, मेरे लिए खुदा है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को नर्क से निकाल कर स्वर्ग बना दिया। आज भी बीमारियां उन पर आक्रमण करती हैं, लेकिन रहमत दया और सुमिरन का जोर तो देखिए कि बीमारी शरीर को घर नहीं बना पाती, आती है और छूकर चली जाती है। उनको हृदयघात हुआ, उनको डायबिटीज की परेशानी हुई, उनको बहुत तरह के तकलीफें हुई, लेकिन ये सुमिरन का प्रताप देखिए, गुरु के नाम की महिमा देखिए कि आज उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये प्रभु की कृपा है, संत का करिश्मा है, संत की दया है, जो भी आप इसे नाम दें, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मेरा सच्चा सौदा से जुड़ा उसे कभी दुख नहीं हुआ। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे एक कॉलर जो अपनी बात करना चाहते हैं। जी भाई जी बताए। बताएं सर। ये टीवी वाले जादू बता रहे हैं, उनको मदद करना चाहिए ना। हाँ जी। ये टीवी वाले जादू के डॉक्टर दिखा रहे हैं। देखिए गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की दया से हम सब ने बहुत कोशिश की है, और जहाँ जहाँ पिताजी की कृपा से मुझे जाने का मौका मिला, जिस भी चैनल पर मैं बैठा हूँ, चाहे वो एक लोग मेरे सामने हो, दो पत्रकार सामने हो, और पांच पांच पत्रकारों का भी मैंने सामना किया है गुरुजी की कृपा से, और आप सबने वो देखा होगा कि किस तरह का जवाब मेरे से पिताजी ने दिलवाया है। एक उन्हीं के घर में, उन्हीं के कैमरों के सामने, उन्हीं के आगे बैठकर और जीत कर चलाना कोई आसान काम नहीं होता। आप जानते हैं कि मीडिया के पत्रकार लोग किस तरह से घेरते हैं, किस तरह से घेराबंदी करते हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की दया है कि कभी भी आपका ये भाई, कभी भी आपका ये बच्चा किसी भी चैनल से पीठ दिखाकर नहीं आया। जो उनके जो भी सवाल थे, उन सवालों का हमने डटकर सामना किया, और कई बार तो ऐसा भी आप सबने देखा होगा कि मीडिया अपने ही सवालों में उलझ गया है, उनसे ही जवाब देता नहीं बना। आखिर सच की आवाज, सच का तेज, सच की चमक को कौन दबा पाया है? यकीन मानिए, सुमिरन कीजिए, मालिक पर भरोसा रखिए, ये सच का सूरज हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा, ऐसे ही दमकता रहेगा, और आने वाले समय में इसका प्रकाश और ज्यादा बढ़ने वाला है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कक्कर साहब के पास कुछ और कहने को है। ये शरीर है जिन्होंने दोनों हाथों से लुटते हुए एक रहमत के खजाने को देखा है, परम पिता जी के दर्शन दीदार, उनका प्यार बेशुमार इन्हें मिला है, और मौजूदा सरकार ने भी इन्हें कई बार खुशियों से नवाजा है। इनके मन में कुछ और है कहने के लिए, मैं अर्ज करता हूँ कक्कर साहब की आप दिल की बात बताएं। आज बड़ा दर्द आता है मीडिया के ऊपर, क्या मीडिया बिकाऊ हो गया? मीडिया ने अच्छे काम नहीं देखे जो हमारे गुरु जी ने करे, 142 मानवता बढ़ाई के कार्य, आर्मी के लिए इतना खून, 80% 90% 98% तक खून जो है वो डेरा सच्चा सौदा ही पूर्ण करता रहा है। किसी आदमी ने अगर कोई कैंप लगाया है, चार बोतल खून की दी है, तो इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके अंदर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड कहना बहुत आसान है, लाखों की तादाद में यूनिट खून दिए गए जो आर्मी के काम आए, जो मरते हुए जवानों के काम आए। आज उस भलाइयों को भूलते हुए क्या ये गुरुजी ने गलत काम करे? जब वैश्याओं की शादी कराई गई, वो जो हमारी बहनें बनी, हमारी बहनें बनाई, जिन्होंने क्वारे लड़कों ने शादी करी, जो ये देखो कि आज के युग के अंदर लड़का लड़की बिना देखे शादी नहीं करते, बिना मिले शादी नहीं करते। हजूर महाराज जी ने वैश्याओं के साथ, आज मैं उनको वैश्य नहीं कहता, माफी मांगता हूं, आज वो हमारी बहने हैं, उन्होंने उनकी शादी अपने
योद्धा लड़कों से जिन्होंने हाँ करी उनसे कराई, तो क्या वो गलत है? तीसरे लिंग को सुप्रीम कोर्ट से जिनको हम छक्का छक्का खुसरा जिनका मजाक उड़ाते थे उनको हजूर महाराज जी ने तीसरा लिंग उसको पूरी इज्जत मान दी। आज भी सच्चा सौदा डेरा के अंदर उनका मान होता है, तो क्या ये भी उन्होंने गुनाह किया? नहीं। आपने पहली फिल्म देखी होगी, हजूर महाराज ने लास्ट में क्या क्या वचन करे थे। तो जो संगत आज डगमगा डोल हो रही है उनको सोचना चाहिए। पिछले ने खुद कहा था अपने मुखारविंद से कि हम ने जो भी ये कार्य करे क्या हमने गुनाह करे। ये मानता भलाई कारण जो कुछ भी हो रहा है आज तक कभी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। आज आपको मालूम होगा अरुषि हत्याकांड, उनके मां बाप को जेल दी गई किसके कारण? सीबीआई की गलत रिपोर्ट के कारण। वो छूट के आए तो हमें बड़ी खुशी हुई कि सीबीआई की ये रिपोर्ट गलत हुई। खुद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर करा था कि ये एक पिंजरे में बंद तोता है, तो आप समझ सकते हो कि पिंजरे में जो पिंजरे में बंद तोता होगा वो कैसे रहता होगा, उसके ऊपर कितनी बंदिश होती है, वो आजादी से उड़ नहीं सकता। तो मेरी अपने प्रेमियों से 6-7 करोड़ जो हमारी संगत है उनसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपका बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, छोटा भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, आप अपना विश्वास बनाए रखें। हमारा जो ध्येय है, जो हमें गुरुजी ने सिखाया है कि मानता भाई के कार्य करने हैं, वो हमें करने ही करने हैं। और साथ में ना तो किसी का हमें दिल दुखाना है, ना हमें किसी के साथ किसी का कोई नुकसान पहुंचाना है, अपने घर में बैठ करके हमें सिमरन करना है। ये आपसे मेरी विनती है, अगर कोई नुकसान करता है दूसरा आकर के तो आप उसको मना करो, भाई देखो आप नुकसान कर रहे हैं, ये हमारा नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छी बात नहीं है सुनील कक्कर साहब ने कही, और उन्होंने एक बात कही कि आज वक्त परीक्षा का है, आज वक्त पहले से ज्यादा आपस में प्यार सौहार्द भाईचारा का है। और ये एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर हमें कोई उल्टा भी बोलता है तो हमारे मुर्शिद ने हमारे सदगुरु ने ये सिखाया है कि उसे प्यार की भाषा से ही प्रेम से ही गले लगा के ही बात करें, जो जैसा बोल रहा है उसकी सजा देना, उसको हक देना मालिक का काम है, हमारा काम तो बस ये है कि हम सर झुका के उसकी बात सुने, अच्छी लगे तो हाँ कहे, नहीं लगे तो वहां से चले जाए, किसी से विवाद ना करे, किसी से लड़ाई ना करे, किसी से कोई किसी तरह का वैर ना करे। एक और फोन कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी भैया बताए। हेलो हेलो जी हेलो बोलिए धंधन सदगुरु तेरा आश्रम भाई जी, सब की पिताजी कब आ रहे हैं? 6 करोड़ लोगों का एक ही सवाल है, पिताजी कब आ रहे हैं? पिताजी अपनी मर्जी से गए हैं, कह के गए हैं, वचन करके गए हैं, साथ अपना सामान लेकर गए हैं, और जब पिताजी को आना होगा ये भला पिताजी से बेहतर कौन बता सकता है। मेरी इतनी औकात नहीं है भाई जी, मैं 6 करोड़ लोगों में सबसे पीछे का व्यक्ति हूँ, आखिरी बंदा हूँ। ये गुरु जी की रहमत है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर यहाँ बिठा दिया है। और हुजूर ने तो कई बार कहा है कि वो तिनकों से काम ले लेते हैं, मैं मालिक का तिनका हूँ, उनकी जूतियों की बराबर की भी औकात नहीं है मेरी। साहब इतना बड़ा सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन ये 6 करोड़ भाई बहनों का सवाल है, इसका जवाब यही है कि आप सुमिरन में बैठे मालिक से मालिक को मांगे, अरदास करें, मालिक रहम करेगा, मालिक दया करेगा, और मालिक ही आपको ये जवाब देगा। तो आपने देखा आज फेसबुक लाइव का ये पेज पर आप देख रहे हैं, संगत की ये चर्चा देख रहे हैं, संगत की ये बात देख रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि जो भी ये नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, ये 2 नंबर जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आप किसी तरह की मदद की आपको जरूरत है, आपके पास कोई वीडियो है, आपके पास कोई चित्र है, आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं
जो हमारे लिए उपयोगी है, जो साझा करना चाहते हैं, आप अपने वीडियो बनाकर दे दीजिए, हम अपने फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में उसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। आप देश में विदेश में कहीं भी रहते हैं, कहीं भी आपने संगत में सेवा की है, कोई खूनदान किया है, आज कोई गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जरूर अपने वो वीडियो बनाकर इस हेल्पलाइन नंबर पर आप जरूर दें, हम इसे अपने कार्यक्रमों में जोड़ेंगे। आप कहीं नाम चर्चा कर रहे हैं, आप 10-20 की संगत में जुड़े हैं, ऐसे ही 2-4-5 मिनट के अपने वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप भेजिए, हम उन्हें भी देश विदेश कहीं की भी संगत है हम उसे जोड़ेंगे, उसे दिखाएंगे। मालिक से आपका प्यार, मालिक से आपका लगाव, मालिक के आपके प्रति जो आस्था है उसको हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए फेसबुक लाइव, सच कहूं कि फेसबुक लाइव पर आप संदीप मिश्रा से इस वक्त रूबरू हैं। आप इस बात को तमाम अपने प्रेमियों को बताएं, तमाम अपने लोगों को बताएं, घर में मोहल्ले में बैठकर सबको दिखाएं और दिखाएं कि सच्चे सद्गुरु के प्रति उनकी साथ सच्ची साथ संगत की आज भी कितनी सच्ची आस्था है। कल फिर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात, आपसे होऊंगा मैं रूबरू, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और एक बार जोर से नारा बोलिए, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।